हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिद्रा खान व्लॉग्स। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज है बारात और अभी हमने कुछ भी तैयारी नहीं की है, मेहंदी शेंदी भी नहीं लगाई है। भाई बारात तो तब पता चलती है ना जब आपकी मेहंदी, तो ये बिल्कुल हाथ बिल्कुल सोने लग रहे हैं। मैंने सोचा कि मेहंदी लगवा के आई जाए आज, तो मैं अभी जा रही हूँ मीना बाजार। मीना बाजार से मेहंदी लगवाने के बाद दो तीन काम और हैं, वो भी साथ साथ करूँगी। आप लोग भी मेरे साथ रहोगे ऑब्वियसली, तो चलते हैं मीना बाजार। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ मीना बाजार, अभी ऊपर जा रही हूँ। सो गाइस, फाइनली मेहंदी तो लग चुकी थी और बिल्कुल अभी अभी हम घर पे पहुंचे। मेहंदी आपको दिखाती हूँ, ये है मेरी मेहंदी, ठीक है ना, ये और ये दूसरे हाथ पे भी मैंने कुछ इस तरीके से लगाई है। मैंने सोचा कि हल्की फुल्की मेहंदी अच्छी लगी। क्या हुआ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, ठीक हो, कैसी लग रही मेरी मेहंदी? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, प्यार करो, प्यार करो, चलो। सो फाइनली मेहंदी जो है वो मैंने वॉश कर ली है। मेहंदी का कलर दिखा दूँ, कलर किस तरीके से आया। मैंने बहुत जल्दी हाथ धो लिए क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे। ये है मेहंदी, बल्कि करीब से दिखाती हूँ। ये मेहंदी का मेरा कलर आया हुआ है, बहुत ही डार्क कलर आया है, माशाल्लाह 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 से बहुत ही प्यारा कलर आया हुआ है। अभी जो है मैं कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ, मेरा ड्रेस भी आ गया, ड्रेस भी दिखाती हूँ। यह है मेरा आउटफिट, ये वाला मेरा आउटफिट है आज का जो बारात में मैं पहनने वाली हूँ। ये मैंने खुद स्टिच करवाया था, अपने आप से कस्टमाइज़ करवाया था। और ये इसके नीचे है लहंगा, ये लहंगा मैं आज वेयर करूँगी, तो ये ड्रेस पहनूँगी। पता नहीं ये ड्रेस कैसा लगे, खैर आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाला ड्रेस। आप लोग मुझे बताइए ड्रेस कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। अच्छा, मैंने ना सोचा कि मैं डार्क कलर पहनूं, लेकिन फिर मैंने कहा डार्क कलर हर कोई पहनता है, कुछ चेंज करना चाहिए, तो मैंने इसलिए लाइट कलर पहना। अब ये रहा तैयार होकर, मिलती। सो गाइस, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये है मेरा आज का लुक बारात का। मैंने थोड़ा लाइट लुक दिया है और अभी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। लड़का जो है अभी तक रेडी नहीं हुआ है, सिर्फ पॉलर से सलून से आया है और उसकी शेरवानी जो है ना अभी तक यहीं पर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है शेरवानी, शेरवानी अभी तक जो है वो उसने नहीं पहनी है। ये आज जो है वो पहनने वाला है शेरवानी, वाह ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। तो भाई ये गाना पहना रहे हैं दूल्हे को, दूल्हा अस्सलाम वालेकुम, बरकत दूल्हे मुबारकातू, अरे वालेकुम सलाम। पहले पहले बोल दिया था, ये गाना पहना लिया है ना, देखा। ये कोट पैंट भी रेडी है, क्या हुआ, ये रहा कोट और पैंट। घर पे किसी की आवाज़ है, बंद नहीं हो रही है। अच्छा, अब जो है वो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और निकल कर फिर मैं आपको बताऊँगी वहाँ पर कि आपको बैंड बजा है, क्या है, क्या सिस्टम है। खैर तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने मेकअप खुद किया है अपना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने मेकअप खुद किया है। जैसा भी किया यार, क्या हो गया, भाई की शादी है, कुछ भी नहीं होता। फाइनली ये मेरा पूरा लुक है आज का। अभी हम लोग निकल रहे हैं, रात होने से पहले पहले हमने पहुंचना है। सामान जो है घर वाले मुझे पकड़वा देते हैं सारा, तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, देरी नहीं करेंगे। चलो अब और वहाँ पर पहुँच कर बताएंगे। चलो भाई अब हम भी चलते हैं, इतनी देर हो जाएगी और वक्त बहुत कम है। माशाल्लाह मेहंदी मेरी बहुत ही प्यारी लग रही है। सो गाइस, हम लोग जो है वो घर पे जो सहराबंदी हो गई थी, हमने घर पे सहराबंदी रखी थी। घर पे सहराबंदी के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं। अभी पीछे जो हमारी गाड़ियां हैं, आगे भी हमारी गाड़ियां हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं बाहर निकल के वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि
बाहर कैसे निकलू, इतनी तेज हवा चल रही है मेरे बाल खराब हो जाएंगे इस वजह से। लेकिन वहां जाके तो बहुत मजा आने वाला है, वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। क्यों भाई एक्साइटेड हो? भाई बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लोग, तो देखते हैं वहां जाकर। हम लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि एंट्री जो है इसके बाद एंट्री शुरू है। फिलहाल अभी आउटडोर शूट हो रहा है इनका, तो अभी हम अंदर में, तो अंदर से आई हूँ अभी। आज सब बहुत खुश हैं माशाल्लाह से, सारे बहुत खुश हैं। अच्छा मैं मिलती हूँ शाह से, मिलवाती हूँ आपको अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शाह? हाँ ये देखें नहीं, पहले आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये पता नहीं कहाँ से आगे कब से तंग करे जा रहे हैं, उनको शूट भी नहीं करने दे जा रहे हैं, और वो कभी क्या ले आते हैं कभी क्या कर रहे हैं अंदर। इनका हर जगह यही काम है, यही काम है, पता नहीं हर जगह इन्होंने ठेका लिया है सबको तंग करने के लिए। ठेका लेना पड़ता है भाई, ऐसे कोई होता है। हां सेट ये ना पीछे से पीछे से।